अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सेक्शन में हमने कौन बताएगा सर? रेडियो केमिकल की सिलेक्शन पढ़ी थी और रेडियोन्यूक्लाइड्स की और सॉरी फार्मास्यूटिकल्स की, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की हमने मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट पढ़ी थी जी। महा बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं। नहीं सर, यही बताना था कि क्या पढ़ा था। ओके, पूछ ही लूंगा जरा थोड़ा सा। इकराम शरीफ, इकराम शरीफ, इकराम शरीफ कहते हैं। इकराम शरीफ बेटा, यू आर एब्सेंट फॉर टुडेज क्लास। इसके बाद मुझे एंड में आकर मत बोलिएगा कि सर ये था वो था। अच्छा, अमल लियाकत। यस सर। आप मुझे ये बताएं कि हमने जो सिलेक्शन ऑफ केमिकल करना होता है, उस सिलेक्शन ऑफ केमिकल के अंदर हम कौन सी चीज़ों को अपने कंसीडरेशन में रखते हैं कि यार इस केमिकल के अंदर क्या क्या चीज़, यानी कि क्यों हम ये केमिकल सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी बेसिस क्या रखते हैं? सर हम उसकी बेसिस में देखते हैं कि ये केमिकल जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉन टॉक्सिक ना हो, जिस पेशेंट में हमें जो है ना इंजेक्ट करना है नॉन टॉक्सिक ना हो, और उसकी जो फार्मास्यूटिकल बायोकेमिकल फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो है ना रेडियो फार्मास्यूटिकल का, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सर हमने देखनी होती है सेकंड टाइम पे कि ये लोकलाइज्ड एरिया मतलब ऑर्गन में जो है इसकी डिजायर्ड अमाउंट कितनी जो है एक्सट्रैक्ट कर रही है, और इसकी नॉर्मल ऑर्गन में कितनी अपटेक होती है, और पैथोलॉजिकल मतलब किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में उसकी अपटेक कितनी होती है। अमन बेटे, थ्री डिटरमिनेंट्स बताए थे मैंने, वो थ्री डिटरमिनेंट्स मुझे बताओ कौन से। सर वो तो बेसिक हम देखते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसकी क्या है, और ब्लड इसका ऑर्गन टिश्यू मतलब इसका ब्लड फ्लो क्या है, और एक्सट्रैक्शन इसकी बाय द टिश्यू क्या है। कि हमने इसको किस रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसका ब्लड फ्लो उस ऑर्गन को ठीक है कितनी अपटेक कर रहा है। ओके, फरानूर। यस सर। आप मुझे बताएं बाजी कि हम एनिमल के ऊपर ट्रायल्स क्यों करते हैं? सर बेसिकली एनिमल के ऊपर ट्रायल करने का हमारा मकसद ये होता है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रेडियो फार्मास्यूटिकल है, तो वो ह्यूमन पे ट्राई करने से पहले हम एनिमल पे करते हैं, इन नॉर्मल कंडीशन में भी और इन पैथोलॉजिकल स्टेट में भी। उसका मकसद ये होता है कि बेसिकली हमने डिटरमिन करना होता है जो भी हमारे पास कोई लेबर्ड मटेरियल होते हैं उसकी बायो डिस्ट्रीब्यूशन को, और हमने इस्टेब्लिश करना होता है कि कोई भी जो हमारे पास वो रेडियो केमिकल है उसकी सेफ अमाउंट है, ताकि जो है वो हम एडमिनिस्टर कर सकें ह्यूमन में। और इसके अलावा हमने जो पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो जब इस्टेब्लिश कर लेना होता है, तो उसके बाद हमने जो है वो जो रेडियो एक्टिविटी है ना एट डिफरेंट टाइम्स, वो हमने देखनी होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बेटे। Maha, can you tell me what are the processes through which the drug gets absorbed in the different tissues and organs? Different processes bataya tha. Sir, are you talking about the quality control? Oops. I'm talking about the absorption of the radiopharmaceutical in the specified organ. The different mechanisms for it. Oh, sir, the mechanism as in like the active transport. Yes. Phagocytosis, capillary blockade, and compartmental localization, and there were two more. I guess diffusion and yes. Receptor binding, something like that. Okay, good. Thank you. अच्छा जी, मतलब यानी कि बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ा भाई वो भी पढ़ लो, ठीक है।
नहीं तो फिर क्या नाम है, रगड़े जाओगे, ठीक है? तो इसलिए अपनी बचत खुद करें। तैमूर, यस सर, वेयर यू वर बॉय? इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 to 5 क्लासेस यू हैव बीन एब्सेंट। सर जिंदगी की सरगर्मियों में ट्राई बॉय, आई विल सजेस्ट यू टू मेंड योर वेज, otherwise it will be really difficult for you. Inshallah, I'm back now and I'll be studying from now on as well. I think you said the same thing for the last time, boy, also. I do understand, sir. Please, just another chance. Okay. ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, तो बट है थोड़ा इजी, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स किस ऑर्गन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, ठीक है? अच्छा जी, वो कहता है because of the very attractive physical characteristics of technetium 99, a variety of chemicals have been labeled with this radionuclide despite the fact that exact mechanism of technetium labeling with these compounds often not known. कहता है technetium की जो desirable qualities हैं कि उसकी half life हमारे हमारे time के मुताबिक है, कितनी देर हम scan कर लेते हैं, हमें सस्ता मिल जाता है, easily available होता है, उसके बाद हम उसको इजीली प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो इस सब की वजह से हम टेक्नीशियन को यूज करते हैं। बट वो कहता है अभी तक क्या नाम है, जो केमिस्ट वगैरह हैं, ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, उसको ये नहीं पता चल सका कि ये ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं टेक्नीशियन की कि ये हर फार्मास्यूटिकल के साथ इजीली बाइंड कर देता है। उसके बाद कहता है टेक्नीशियन 99 इन द फॉर्म ऑफ सोडियम परटेंगेट इज इजीली ऑब्टेंड इन द लैबोरेटरी फ्रॉम अ मॉडल टेक्नीशियन जनरेटर, ये हमने पढ़ा हुआ पहले। आगे वो कहता है जी, टू लेबल अ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड इट इज नेसेसरी ओनली टू इंट्रोड्यूस अ known amount of sterile and pyrolyne free sodium perdignitate into the kit vial. Kit vial kisko bolte hain? Maheen, can you tell me please? Kit vial kya hoti hai? Sir, jahan pe collect hota hai hamara daughter radionuclide, usko kehte hain. Bete, kit vial hum kisi bhi kya naam hai, jaise aapka injections aate hain na this vial ke andar, theek hai? Dekhe honge na injections jo vaccine yes, this vial ke andar, theek hai? उस वो जो वो आपकी ग्लास का है, वो क्या नाम होती है ना, यानी कि शीशी क्या है उसको, उसको हम वॉयल बोलते हैं, किट वॉयल। अगर उसमें पाउडर फॉर्म में कोई चीज है, उसमें कोई लिक्विड फॉर्म में है, उसमें जिस तरह भी है, ठीक है, उसको हम किट वॉयल बोलते हैं कि यार ये वैक्सीन की किट वॉयल है, ठीक है, या वैक्सीन की वॉयल है, ठीक हो गया? Yes, तो वो कहता है कि हमने नाउन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, जितनी हमें चाहिए हम उतनी ही एक स्पेसिफाइड किट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमें क्या नाम है 5 ml of technetium labeled DT ये चाहिए, जो कि किडनी की इमेजिंग के अंदर यूज होता है, ठीक है? तो हमने सिर्फ 5 ml ही क्या नाम है उसके अंदर इंजेक्ट करना है, ज्यादा इंजेक्ट नहीं करना, ठीक है? उसका कहता है द लेबल कंपाउंड इज रेडी टू यूज विद इन अ फ्यू मिनट्स, जो आपका कंपाउंड लेबल यानी कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल के अंदर आपने सोडियम परटेंगनेट का सोल्यूशन ऐड किया, वो फ्यू मिनट्स के बाद शेकिंग के बाद रेडी हो जाता है पेशेंट में इंजेक्ट करने के लिए। 3 parameters ऑफ इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन इज द सिलेक्शन ऑफ अ किट, जब आप किट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 3 consideration होती हैं, कौन कौन सी? लेबलिंग एफिशिएंसी, इन विट्रो स्टेबिलिटी और इन विवो स्टेबिलिटी। इन विट्रो क्या होती है और इन विवो क्या होती है, कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन देम? बच्चों एक मिनट दीजिएगा मुझे।
सॉरी बच्चों सर आ गए थे, सर से कुछ बात करनी थी. अच्छा हाँ जी, कौन मुझे डिफरेंस बता रहा था इन विवो एंड विट्रो का? सर मैं बताऊँ. सर इन विवो जो होता है वो तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी प्रोसेस या रिएक्शन होगा, और इन विट्रो बाहर लेबोरेटरी में शायद. वैसे एक मैं मजे की बात बताऊं, सबसे अच्छी बच्ची ना माँ है, वो हैंड रेस करती है. तुम लोग वही मछली मंडी की तरह बोलना शुरू कर देते हो. तहरीन बाजी समझ आ रही है? जी सर. ओके सर, नेक्स्ट टाइम हैंड रेस कर दूं. गुड गर्ल. अच्छा जी ठीक हो गया. अच्छा अब हम चलते हैं जी, क्या नाम है, labeling efficiency is defined as the percent of total radioactivity present in the kit that is tagged to the appropriate molecule or compound. ठीक है, labeling efficiency वो कहता है हम किस तरह define कर सकते हैं कि कितने percent radioactivity जो हमारे पास अपनी vial के अंदर collect हुई थी, जिसको हमने क्या नाम है kit के अंदर डाला और pharmaceutical को उसके साथ tag किया. ठीक है, for most of the kits currently in use in nuclear medicine, labeling efficiencies are under optimum. Conditions are in excess of 90% and sometimes even reaching 99%. The remainder of the radioactivity is present as a radiochemical impurity. ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि जो आपकी किट्स के अंदर जब आप रेडियो एक्टिविटी को डालते हो, ठीक है, मिक्स करते हो, तो आपकी जो लेबलिंग एफिशिएंसी यानी कि ऑलमोस्ट आपका 92-95% कंपाउंड जो है वो आपकी रेडियो एक्टिविटी के साथ लेबल हो जाता है. बाकी जो 5% वो कह रहा है बच रहा है, या बाकी वो 1-5% जितना बच रहा है वो कह रहा है वो रेडियो केमिकल इम्प्योरिटी की फॉर्म में बचा हुआ था आपके पास. ठीक है, उसके बाद कहता है इन किट्स दैट यूज टैनस क्लोराइड एज, किधर गया हमने एक स्लाइड मिस कर दी है. हाँ ये देखा, ये वाली स्लाइड मिस हो गई है. ये वाली स्लाइड थी जो कहता है द लेबलिंग ऑफ मोस्ट केमिकल्स बाय टेक्नीशियम 99M इज अचीव्ड बाय फर्स्ट रिड्यूसिंग द पायरोटेक्निटेट टू आयनेट टेक्नीशियम. ठीक है, जो आपके पास सोडियम पायरोटेक्निटेट इल्यूट की फॉर्म में आता है ना, उसके अंदर आप एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल के उसको सिंपल टेक्नीशियम यानी कि ओनली सिर्फ टेक्नीशियम 99M के अंदर कन्वर्ट करते हो, देन उसको आप इंजेक्ट करते हो किसी भी किट के अंदर. ठीक है, तो वो मोस्ट कॉमन एजेंट जो रिड्यूसिंग के लिए यूज होता है वो क्या यूज होता है, स्टेनस क्लोराइड. स्टेनस क्लोराइड फॉर एग्जांपल जब आप उसको डालोगे सोडियम पायरोटेक्निटेट के अंदर, तो सोडियम क्लोराइड से मिलके नमक बना के नीचे बैठ जाएगा आपके सॉल्यूशन के अंदर, और ऊपर आपके पास जो सॉल्यूशन बचेगा उस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ आपको टेक्नीशियम मिलेगा. ठीक है, यानी कि वो क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, उसको आप फिर इंजेक्ट करोगे बॉयल के अंदर, और आपके बॉयल के अंदर वो आपका जो भी रेडियोफार्मास्यूटिकल है उसके साथ वो एक कंपाउंड बना के टैग हो जाएगा. बिकॉज द हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियम 99M इज शॉर्ट, मोस्ट लेबलिंग हैज टू बी परफॉर्म्ड इन हाउस. ठीक है, जहाँ पे आपने पेशेंट को इंजेक्ट करना है उसके साथ ही आपका जो यहाँ गामा कैमरा इंस्टॉल होता है, जैसे आपने किसी ने कभी सीटी हमारे के रूम्स देखे, एक कमरे में मशीन लगी होती है और एक कमरे में आपका कंसोल लगा होता है. मैंने आपको शायद बताया भी था स्टार्ट के लेक्चर्स में कि एक रूम में आपकी मशीन होती है और एक में कंप्यूटर कंसोल होता है जहाँ बैठ के आप कंट्रोल करते हो. ठीक है, उसके साथ ही एक और थर्ड रूम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉट लैब. हॉट लैब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी को डील किया जा रहा होता है. ठीक है, तो इसलिए उसका नाम रखा गया होता है हॉट लैब. हॉट लैब के अंदर ये सारा काम होता है कि आपने जनरेटर्स रखे होते हैं एक लेड शील्डेड रूम के अंदर, वहाँ से आप जाके ये एक्टिविटी को इल्यूट करते हो, इल्यूट को ला के फिर आप क्या नाम है हॉट लैब के फ्यूम हुड के अंदर नीचे लाते हो, वहाँ फ्यूम हुड में आप उसको क्या नाम है सिरिंज के अंदर निकाल के तो अपने किट में इंजेक्ट करते हो. ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि 6 hours की हाफ लाइफ है, तो आपको ये सारा काम सेम बिल्डिंग के अंदर ही करना पड़ेगा. ठीक है, वो कहता है दिस इज ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय द यूज ऑफ स्टीरल एंड पायरोजन फ्री किट्स इन विच ऑल द डिजायर्ड केमिकल्स आर प्रीमिक्स एंड हेल्ड टुगेदर इन ए लिम्फोलाइज स्टेट. सर किसी को पता है लिम्फोलाइज स्टेट क्या होती है? तहरीन, माहा, एनीवन, माहीन, मलाइका, डीन होल्डर? नहीं पता सर. सर नहीं पता. सारा? नो सर. लिम्फोलाइज स्टेट ये होती है कि आप किसी चीज को फर्स्टली फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लेके जाओ. ठीक है, देन जब वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाए ना, ठीक है, तो आप उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको एक पाउडर्ड वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में वो आपको चीज मिल जाए. उस तरह की कुछ स्टेट होती है कि कुछ वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस स्टेट को बोलते हैं लिम्फोलाइज स्टेट. ठीक है, और क्या नाम है क्या कहते हैं उसको, हम इसीलिए कोल्ड किट भी कहते हैं. यानी कि हमारे पास ये जो वॉयल्स आती है ना जिसके अंदर आपका सिर्फ फार्मास्यूटिकल मौजूद होता है, जो आपने जिसके अंदर अपना इल्यूट इंजेक्ट करना होता है, उस किट को हम बोलते हैं कोल्ड किट.
ठीक है, इसके अंदर आपका रेडियो न्यूक्लियोट नहीं मौजूद होता है. जब तक इसके अंदर आपका रेडियो न्यूक्लियोट नहीं मौजूद होता तब तक आप फार्मास्यूटिकल की किट को बोलते हो कोल्ड किट. क्या बोलते हैं? कोल्ड किट. अच्छा जी, हमने जाना था इस स्लाइड पे, यहाँ पे, ठीक है. ओके, द इन द किट्स दैट यूज स्टेनस क्लोराइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रेडियो फार्मास्यूटिकल रेडियोकेमिकल इंप्योरिटीज आर इन ऑफ जनरल टू फॉर्म्स. ठीक है, कह रहे हो जब हम कोल्ड किट्स में जिनके अंदर स्टेनस क्लोराइड का रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया होता है तो उनके अंदर हमारे पास दो टाइप की रेडियोकेमिकल इंप्योरिटीज आती हैं. एक को कहता है फ्री परटेक्निटेट, ठीक है, which was not reduced, और दूसरा को कहता है reduced or hydrolyzed technetium which was reduced but did not tag to the compound. ठीक है, एक को कहता है free perticnetate जो कि क्लोराइड के साथ मिलके convert नहीं हुआ सोडियम क्लोराइड में, और दूसरा वो कहता है कि जो free hydrolyzed technetium जो perticnetate से तो अलग हो गया बट वो रेडियो फार्मा वो जो आपका फार्मास्यूटिकल था उसके साथ वो टैग नहीं हुआ. तो ये दोनों क्या करती हैं? ये दोनों बन जाती हैं रेडियोकेमिकल इम्प्योरिटीज. रिड्यूस्ड और हाइड्रोलाइज्ड टेक्नीशियम समटाइम्स फॉर्म्स अ कोलॉइड विद एक्सेस 10 प्रेजेंट इन द किट. दिस इज ऑल्सो रेडियोकेमिकल इम्प्योरिटी बट इन ए डिफरेंट फॉर्म. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो आपका हाइड्रोलाइज्ड टेक्नीशियम है ना वो कभी कभी 10 के साथ मिलकर जो स्टेनस क्लोराइड का SM यानी कि 10 है उसके साथ मिलकर कोलॉइड बनाते हैं जो कि वो भी एक रेडियोकेमिकल इम्प्योरिटी होती है बट क्या है वो एक डिफरेंट टाइप की होती है. उसके बाद क्या था, इन विट्रो स्टेबिलिटी ऑफ ए लेबल्ड कंपाउंड डिटरमाइंस द टाइम इट कैन बी स्टोर्ड ऑन द शेल्फ विदाउट सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन. इन विट्रो स्टेबिलिटी का वो कह रहे हैं कि अगर आपने क्या नाम है रूम टेम्परेचर के ऊपर रेडियो एक्टिविटी इंजेक्ट किया है वॉयल के अंदर, ठीक है, और आपने कंपाउंड बनाया है रेडियो फार्मास्यूटिकल बनाया है तो उसकी इन विट्रो स्टेबिलिटी को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि हम कितनी देर रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको रख सकते हैं और वो खराब भी ना हो. ठीक है, a high in vitro stability allows the compound to be labeled once and then used in a number of patients at different times of the day. Both labeling efficiency and in vitro stability of the compounds prepared from kits can be maximized by observing a few simple precautions. aapke manufacturer jisne vial cold kit bana ke bheji hoti hai uski taraf se kuch precautions di gayi hoti hai ki isko is temperature pe store kare, is tarah store kare, dhoop se bachaye, ye hai wo hai, jo bhi precautions hai kehta hai agar aap unko follow kare to aap kya naam hai room temperature pe bhi apni jo cannabis ready pharmaceutical hai usko deteriorate hone se yani ki uski form change hone se rok sakte hain aur aap usko kafi time tak wahan pe yani ki रूम टेम्परेचर भी स्टोर करके रख सकते हैं और दूसरे डिफरेंट पेशेंट्स में दो तीन पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं एक ही दफा रेडियो फार्मास्यूटिकल बनाने के बाद. उसके बाद वो कहता है सच एज यूज ओनली ऑक्सीडेंट फ्री सोडियम परटेक्निटेट सॉल्यूशन एंड इंश्योरिंग नो एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रिएक्शन व्हाइल ड्यूरिंग द लेबलिंग प्रोसीजर. ठीक है, वो प्रिकॉशंस में क्या क्या बता रहे हैं कि सिंपली क्या ऑक्सीडेंट फ्री सोडियम परटेक्निटेट का सॉल्यूशन हो, ठीक है, और कोई एयर भी वॉयल के अंदर ना जाए. ठीक है, द इन विट्रो स्टेबिलिटी ऑफ ए लेबल कंपाउंड डिटरमाइंस हाउ क्लोजली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम पैरेलल दैट ऑफ ए अनलेबल्ड कंपाउंड. ठीक है, वो कहता है जो इन विट्रो स्टेबिलिटी है ना रेडियो फार्मास्यूटिकल की वो इस तरह हम डिफाइन करते हैं कि जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ना बॉडी के अंदर, ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल जब बना दिए तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और अकेला फार्मास्यूटिकल अगर हम सिंपली इंजेक्ट करें किसी सोल्यूशन में मिक्स करके, ठीक है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की सेम होनी चाहिए. अगर दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती है, ठीक है, टेक्नीशियम लेबल्ड की भी और नॉन लेबल्ड की भी, तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड इन वीवो यानी कि इन साइड द ह्यूमन बॉडी स्टेबल है. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. गुड. अच्छा जी, आगे चलते हैं. अब वो कहता है जी टेक्नीशियम 99M लेबल्ड फार्मास्यूटिकल्स, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्नीशियम लेबल्ड कंपाउंड्स इन निक्लोमेट्स आर एज़ फॉलोज. मोस्ट ऑफ दीस कंपाउंड्स कैन इजीली एंड रैपिडली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कमर्शियली अवेलेबल किट्स. सबसे पहले वो बता रहा है आपको टेक्नीशियम पर टेक्निटेट यानी कि जो आपको डायरेक्ट इल्यूट मिलता है आपकी वॉयल के अंदर. ठीक है, वो कहता है द रेडियो दिस रेडियो फार्मास्यूटिकल इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम जनरेटर यूजिंग सलाइन एज इल्यूटिंग सॉल्यूशन. इन बायोलॉजिकल सिस्टम इट बिहेव सिमिलरली टू आयोडीन. ठीक है, जैसे कि आयोडीन आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है थायराइड वगैरह में, इसी तरह सोडियम परटेक्निटेट भी सेम उसी मैकेनिज्म के थ्रू आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. आफ्टर ओरल और इंटरवेनस एडमिनिस्ट्रेशन इट इज सेलेक्टिवली कंसंट्रेटेड इन थायराइड सैलिवरी ग्लैंड स्टमक एंड कोरोइड प्लेक्सस. कोरोइड प्लेक्सस कहाँ पे होता है? मलाइका बाजी. Yes, sir. जी ये जरा मुझे बता दें कोरोइड प्लेक्सस किस जगह पे होता है? सर ब्रेन में. ब्रेन में किस जगह पे?
ब्रेन में कोरोइड प्लेक्सिस आपके थर्ड वेंट्रिकल के अंदर होता है, ठीक है? ओके ओके सर. अच्छा जी, आगे चलते हैं. कहते हैं अबाउट 50% ऑफ द कंपाउंड इज रैपिडली डाइल्यूटेड इन द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेसेस विद इन द 15 टू 20 मिनट्स. कहते हैं 50% जो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आपने 10 मिलीक्यूरी इंजेक्ट किया तो उसमें से 50% यानी कि 5 मिलीक्यूरी जो है वो आपके एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेसेस यानी कि टिश्यूज वगैरह के अंदर जाकर डाइल्यूट हो जाता है. द रिमेनिंग अमाउंट डिसअपीयर्स फ्रॉम द प्लाज्मा विद द हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 3 आवर्स. और जो बाकी 50% है वो तकरीबन 3 घंटों के अंदर अंदर ब्लड के अंदर 50% खत्म हो जाती है, ठीक है, डिसअपीयर हो जाती है. अबाउट 20-30% ऑफ द इंजेक्टेड डोज इज एक्सक्रीटेड इवेंचुअली इन फीसिस एट अ स्लो रेट. और जो 20-30% डोज है जाना वो आपके स्टूल्स के अंदर फीसिस के अंदर एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से. उसके बाद वो कहता है द स्टमक व्हिच इज अ मेजर ऑर्गन ऑफ अपटेक कंटेन्स 20-25% ऑफ इंजेक्टेड डोज एट 4 आवर्स. 4 घंटे बाद स्टमक जो आपका मेजर ऑर्गन है जहाँ पे पर्टिक्निटेट जाके ज़्यादा लोकलाइज करता है वहाँ पे आपको 4 घंटे बाद जाके 20-25% अमाउंट मिल जाती है अपनी इंजेक्टेड डोजेज की. उसके बाद कहता है सो मच रेडियो एक्टिविटी रिमेंस इन द स्टमक इवन आफ्टर 24 आवर्स दैट इज नॉट एडवाइजेबल टू परफॉर्म इमेजिंग ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन यूजिंग टेक्नीशियन लेबल रेडियो फार्मास्यूटिकल ऑन अ पेशेंट हु हैड इमेजिंग परफॉर्म विद टेक्नीशियन. वो कह रहा है कि जी जो आपका स्टमक है ना उसमें सबसे ज्यादा अपटेक होता है टेक्नीशियन पर्टिक्निटेट का. और 4 घंटे बाद आपको कितना, अगर 10 मिलीक्यूरी इंजेक्ट किया 4 घंटे बाद आपको स्टमक के अंदर 2.5-3 मिलीक्यूरी मिल जाएगा, ठीक है. और वो कहता है कि ये चीज़ एडवाइस की जाती है कि अगर किसी पेशेंट का सोडियम पर्टेक्निटेट का स्कैन कोई भी हुआ है तो उसका कोई भी एब्डोमिनल स्कैन ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल से जो कि टेक्नीशियम लेबल्ड हो ना किया जाए एटलीस्ट 2 दिनों तक, ठीक है. टेक्नीशियम 99 mg पर टेक्निटेट इज प्रेजेंटली यूज फॉर थायराइड स्लैबिंग एंड स्टमक इमेजिंग. कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इस तरह के डिज़ाइन किए गए हैं कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स की स्टडी के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि आपने वही यूज़ करना है क्योंकि हर ऑर्गन के लिए एक स्पेसिफाइड रेडियो फार्मास्यूटिकल भी डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, समझ आ गई है सर. ओके अच्छा जी, अब वो कहता है टेक्नीशियम 99 mg लेबल सल्फर कोलॉइड. दिस रेडियो फार्मास्यूटिकल इज इजीली प्रिपेयर्ड यूजिंग कमर्शियल अवेलेबल किट्स. कोलॉइड्स इन जनरल आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बाय रेडिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द बॉडी. कहता है जो कोलॉइड होते हैं वो आपकी बॉडी के रेडिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कोलॉइड्स को. द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलॉइड्स अमंग द रेडिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ वेरियस ऑर्गन डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स सच एज साइज, नेचर, अमाउंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स, ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन एंड ऑन अदर फिजियोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजिकल कंसीडरेशंस. कहते हैं कि जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स आपकी बॉडी के अंदर जो होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर से कोलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी एक्सट्रैक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कोलॉइड का साइज क्या है, उसकी नेचर कैसी है, अमाउंट कितनी है उसकी, और जिस ऑर्गन में रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ने उसको एक्सट्रैक्ट करना है उसकी ब्लड सप्लाई कैसी है और उसकी कंडीशन कैसी है, वो ऑर्गन ख़राब तो नहीं है, डिटेरियोरेट तो नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई हाइपरट्रॉफी या एट्रॉफी तो नहीं हो रही, ठीक है, इन सब के ऊपर डिपेंड कर रही होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ कोलॉइड्स बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स. इन द केस ऑफ कोलॉइडल सल्फर टैग विद टेक्नीशियम 99 mg अबाउट 70-80% ऑफ द इंजेक्टेड डोजेज इज लोकलाइज्ड इन द लिवर विदिन 10-20 मिनट्स. कहता है जो अगर आप सल्फर कोलॉइड क्या कहते हैं कोलॉइडल सल्फर को टैग करें टेक्नीशियन के साथ तो उसको इंजेक्ट करें बॉडी के अंदर तो 70-80% ऑफ द डोजेज 10-20 मिनट के अंदर उसका 70-80% आपके लिवर में लोकलाइज कर जाएगा अगर आप IV दे रहे हैं. और जो रिमेनिंग आपकी है उसमें से तकरीबन 3% वो कह रहा है स्प्लीन के अंदर और 15-20% जो है वो बोन मैरो के अंदर लोकलाइज करेगी. कहता है दिस इज द एजेंट देयरफॉर प्राइमरी यूज फॉर लिवर स्प्लीन एंड बोन मैरो इमेजिंग. ठीक है, अब देखें ये सल्फर क्लोराइड टेक्नीशियम लेबल जो है वो आप लिवर स्प्लीन और बोन मैरो इमेजिंग के लिए यूज कर सकते हो. ऑल्दो स्पेशली फॉर लिवर एंड बोन मैरो इमेजिंग दूसरे क्या नाम है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी डिजाइन किए गए हैं, ठीक है. कंडीशंस अप्लाई करती हैं, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है और डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज करते हो, ठीक है. उसके बाद वो कहते हैं अनदर टेक्नीशियम लेबल कंपाउंड समटाइम्स यूज फॉर लिवर स्प्लीन एंड बोन मैरो इमेजिंग इज एल्ब्यूमिन माइक्रो एग्रीगेट्स. ठीक है, ये पार्टिकल साइजेस याद रखिएगा कि सल्फर का हम कितना पार्टिकल साइज यूज करते हैं और एल्ब्यूमिन के माइक्रो एग्रीगेट्स का पार्टिकल साइज कितना होता है. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. उसके बाद वो कहता है टेक्नीशियम 99 mg लेबल्ड मैक्रो एग्रीगेट एंड एल्ब्यूमिन. ऊपर हमने क्या पढ़ा है माइक्रो, ठीक है, ये है मैक्रो.
दिस रेडियोफार्मास्यूटिकल्स प्राइमरी यूज्ड इन लंग इमेजिंग, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, वो माइक्रो एग्रीगेट्स से जो कि लिवर स्प्लीन और बोन मैरो में यूज हो सकते हैं, और ये हैं मैक्रो एग्रीगेट्स जो कि हम यूज करते हैं किसमें, लंग इमेजिंग के अंदर, ठीक है. विद इन अ फ्यू सेकंड्स आफ्टर द इंटरवेनस एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नीशियन लेबल्ड मैक्रो एग्रीगेट एल्ब्यूमिन 90-95% इंजेक्टेड डोजेस ट्रैप्ड इन द कैपिलरी एंड प्री कैपिलरी बेड ऑफ लंग्स. तहरीम, आपने क्वेश्चन किया था ना कि हम लोग सर क्या नाम है वेंटिलेशन वाली की स्टडीज करते हैं, कौन सी स्टडीज करते हैं. देखो अब ये जो टेक्नीशियम लेबल माइक्रो एग्रीगेट एल्ब्यूमिन है ना, ये वो कहाँ जाके ब्लॉक हो रहा है, आपकी कैपिलरी और कैपिलरी बेड के अंदर. इट मींस कि ये आपका परफ्यूजन स्कैन करेगा, ठीक है, कि आपकी लंग की जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर है, लंग की ब्लड सप्लाई प्रॉपर होने की वजह से आइदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है, ये आपको इस चीज को बताएगा. और बाकी जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है अगर आपने उसको चेक करना है, ठीक है, एल्वियोलाई ब्रोंकाई दिस एंड दैट, तो उसके लिए आपको वेंटिलेशन स्टडीज करनी पड़ती है. ऑल्दो आजकल ये वाली स्टडीज नहीं होती क्योंकि आपका सीटी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, ठीक है, जैसे कि देख लो आपका कोविड भी आया, ठीक है, लंग्स की डिजीज थी, तो उसके अंदर आपने क्या सुना, सबसे पहले PCR, देन यू विल गो फॉर चेस्ट एक्सरे, आफ्टर दैट द गोल्ड स्टैंडर्ड इज द HRCT चेस्ट, ठीक है, ऐसा ही है. यस सर, ठीक है. तो आजकल सर मतलब कि परफ्यूजन स्टडीज न्यूक्लियर मेडिसिन के थ्रू हो रही है और वेंटिलेशन स्टडीज अब नहीं हो रही है. बाजी मैंने तो परफ्यूजन के बारे में भी कभी नहीं सुना, टू बी ऑनेस्ट, ना कभी देखी. मोस्ट कॉमनली जो स्टडीज होती हैं न्यूक्लियर मेडिसिन की जो मैंने देखी, बोन स्कैंस, ठीक है, उसके बाद क्या नाम है डेक्सा स्कैन, और क्या कहते हैं रीनल स्कैंस, और थायराइड स्कैंस, और कौन सा था, और क्या नाम है लिवर, हाँ वही ना कि आपकी वो होल बॉडी स्कैन में आ गया ना ट्यूमर, अगर आपने कोई मेटास्टेसिस जज करना है तो वो होल बॉडी स्कैन आ गया. इसी तरह लिवर के ट्यूमर के लिए क्या नाम है आपका हेडा स्कैन आ गया, किडनीज का, थायराइड का, ठीक है, और क्या नाम है कार्डियक स्कैंस, ठीक है, जो मैंने कार्डियक भी एक ही देखा, बाकी ये सारे काफी दिन बाद देखे हैं, लेकिन कार्डियक एक ही देखा, कभी ये लंग वगैरह इस तरह ये चीजें नहीं देखी. पहले जरूर होती थी, ठीक है, क्योंकि पहले आपके पास एडवांसेस मौजूद नहीं थे, ठीक है. अब तो आपके पास सीटी इतना एडवांस आ गया कि आपने सीटी किया पेशेंट का HRCT, ठीक है, आप उसको क्या नाम है वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी मोड में ले जाओ सीटी को, ठीक है, वो आपको जैसे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी माइन के अंदर नहीं घूम रहे, इस तरह वो आपको क्या नाम है ट्रेकिया से लेके जाएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आगे ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से आगे क्या नाम है आपके क्या कहते हैं ये लोब्यूल्स, लोब्यूल्स से आगे फिर वो एल्वियोलाई, ठीक है, वो आपको एंड तक ले जाता है, ठीक है, आपको ऐसे लग रहा था लाइक आप किसी के लंग के ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स के अंदर घूम रहे हो, वो सारा अंदर से आपको दिखाता है कि यार इस जगह पे आप जा रहे हो, साथ साथ आपको बता रहा था कि आप इस टाइम लेफ्ट ब्रोंकस में इस जगह पे पहुंच गए हो, एक कर्सर शो कर रहा था और साथ आपको स्क्रीन पे वो शो कर रहा था कि यहाँ पे ये इस इसकी वॉल में यहाँ पे ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ठीक है, इतना ज्यादा एडवांस सिस्टम आ चुका होगा. ओके, यस सर. अच्छा जी, वो कहता है फॉर इफेक्टिव लंग लोकलाइजेशन the albumin macro aggregates must be between 15 to 75 micrometer in size. The biological half life of technetium macro aggregate in the lung is about 8 to 12 hours. Biological half life kya hoti hai Sara? Sara, biological half life bata do. Yes sir. Sir, jo biological metabolic activity ki wajah se jo pharmaceutical hai radio pharmaceutical hai wo half reh jayega. Good. उसके बाद कहता है technetium level macroalbumin MAAR broken down into smaller particles that are taken up by the radical endothelial cells of liver and spleen. उसके बाद कहता है जी technetium level polyphosphate, pyrophosphate and dysphosphate. This radiopharmaceutical primary used for bone imaging. जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि specified भी हैं आपकी क्या नाम है बोन मैरो इमेजिंग के लिए और लिवर सब के लिए, बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो डिफरेंट के लिए, एक ही कंपाउंड है जो डिफरेंट स्टडीज में भी यूज किया जा सके. वो कहता है After intravenous injection, 50-60% dosage is localized in the skeleton within 15-20 minutes. Remainder is distributed in the soft tissue and plasma, which is excreted slowly in urine. 20-30% is either excreted or taken up by the kidneys within 3 hours of injection. उसके बाद कहते हैं, of these three groups, polyphosphate has the slowest plasma clearance and therefore least desirable. Methylene dysphosphate has the fastest plasma clearance of these compounds. Use of technetium 99 labeled pyrophosphate and dysphosphate for the detection of myocardial infarction is now well established. अब देखो ये specially designed किया गया for bone marrow, but वो कह रहा है कि अगर आप technetium level pyrophosphate या dysphosphate use करो, तो आप myocardial infarction को भी detect कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद वो कहता है जी technetium labeled human serum albumin, ठीक है?
This radiopharmaceutical is primarily used for blood pool imaging such as heart or placenta. After intravenous administration, it is retained in the plasma for a long period. However, technetium-99 labeled albumin is not as stable in vivo as albumin labeled with radioiodine and radiochromium. ठीक है वो कहता है जो technetium labeled सिर्फ albumin है ना वो इतना stable नहीं है body के अंदर जितना कि radioiodine से अगर उसको label किया जाए या chromium से label किया जाए. Therefore, it is not preferred agent for plasma volume determination. ठीक है plasma के volume determination के लिए ये एक preferred agent नहीं है. उसके बाद आया था जी टेक्नीशियम लेबल्ड रेड ब्लड सेल्स. ठीक है लेबलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स विद रेडियोन्यूक्लाइड्स इन जनरल इज अ कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर. रिसेंटली हाउएवर अ सिंपल एंड एक्सपीडियस मेथड हैज बीन डेवलप्ड टू लेबल रेड ब्लड सेल्स इन विवो विद टेक्नीशियम. दिस हैज इंक्रीज्ड द पॉपुलैरिटी ऑफ टेक्नीशियम लेबल्ड रेड ब्लड सेल्स ओवर दैट ऑफ टेक्नीशियम लेबल्ड एल्बुमिन फॉर ब्लड पूल स्कैनिंग पर्टिकुलरली फॉर द हार्ट. ठीक है ब्लड पूल स्कैनिंग का मतलब है कि उस जगह पे ब्लड की कितनी पूलिंग हो रही है यानी कि वहां पे कितना स्टेसिस हो रहा है या वहां से प्रॉपर ब्लड फ्लो जा रहा है कि नहीं जा रहा. ठीक है इस चीज की स्टडी. उसके बाद वो कहता है जी टेक्नीशियम लेबल्ड 2-3 डाइमर कैप्टोसैक्सिनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं टेक्नीशियम लेबल्ड DMS से. ठीक है ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है किडनी की मॉर्फोलॉजी और रीनल कॉर्टेक्स की स्पेशली मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए कि किडनी का रीनल कॉर्टेक्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है कि नहीं है. अब मेरी बात सुनो ये जो पूरा नाम लिखा हुआ ना डायमर कैप्टोसैक्सिनिक एसिड ये तुम लोगों को आना चाहिए. जैसे कि मैंने ऊपर बताया टेक्नीशियम लेबल्ड मैक्रो एग्रीगेट्स बोलते हैं उसको टेक्नीशियम लेबल्ड MAA हैं बट यू पीपल शुड मेमोराइज द फुल नेम आल्सो. ठीक है इस पे छूट नहीं है. समझ आ गई सबको अवाम? यस सर. यस सर. यस. ठीक है फुल नेम आपको आना चाहिए. अच्छा जी वो कहता है आफ्टर इंटरवेनस एडमिनिस्ट्रेशन द रेडियोफार्मास्यूटिकल इज क्विकली मिक्स विद द प्लाज्मा वॉल्यूम फ्रॉम वेयर इट इज क्लियर्ड विद अ हाफ टाइम ऑफ अबाउट 1 आवर. By 2 hours, between 40-50% of injected doses is taken up by renal cortex and 15% is excreted in urine. Because of its rapid in vitro decomposition, it should be stored in a refrigerator and used within half hour of labeling. ठीक है वो कह रहा है क्योंकि ये in vitro यानी कि जो आपकी boil के अंदर है ये इतना stable नहीं है. ठीक है तो इसलिए पहली बात तो ये कि आप इसको refrigerator में store करो और अगर आपने इसको बना लिया है pharmaceutical को तो आधे घंटे के अंदर अंदर इसको inject कर दो patient को ताकि ये चेंज ना कर ले अपना कंपाउंड जो है वो किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट ना हो जाए या फिर वो जो टेक्नीशियम का टैग हुआ है वो अनटैग ना हो जाए. उसके बाद वो कहता है टेक्नीशियम लेबल डायथाइलीन ट्राइअमाइन पेंटा एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं टेक्नीशियम लेबल DTPA. ठीक है ये भी रेडियोफार्मास्यूटिकल है जो कि यूज होता है किडनी के लिए. ठीक है क्या कहता है कि रैपिडली क्लियर्ड फ्रॉम द किडनीज. ठीक है इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो है वो तकरीबन 15 मिनट्स है. 80% of the injected dosage can be recovered in urine between 2-3 hours post-injection. उसके बाद वो कहता है technetium labeled glucoheptonate. ठीक है? The biological behavior of this radiopharmaceutical is somewhere between that of technetium DTPA and technetium DMS. Technetium DTPA और DMS जिस तरह localize करते हैं और जिस तरह excrete करते हैं ना ये भी जो radiopharmaceutical है तकरीबन उसी की तरह ही behave करता है आपकी body के अंदर. तो मैक्सिमम अपटेक बाय रीनल कॉर्टेक्स इज रीच अबाउट 1 आवर आफ्टर पोस्ट इंजेक्शन. आपके इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद बॉडी के अंदर ये रीनल कॉर्टेक्स के अंदर तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर लोकलाइज कर देता है एंड इज अबाउट 25% ऑफ द इंजेक्टेड डोजेज. उसके बाद वो कहता है जी Another 25% injected dose is excreted by the urine. This time, the radiopharmaceutical is primarily used for renal imaging. Another use of this pharmaceutical is detection of myocardial infarction at early stage. जैसे कि ऊपर क्या नाम है आपका वो जो पाइरोफॉस्फेट पॉलीफॉस्फेट है मायोकार्डियल फंक्शन के लिए यूज हो सकता है. सिमिलरली ये टेक्नीशियम लेबल ग्लूकोहेप्टोनेट जो है वो भी आपकी मायोकार्डियल फंक्शन एट एन अर्ली स्टेज डिटेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है. यानी कि अगर आपको इन्फार्क्ट का इन्फार्क्ट की सस्पिशन है और आप न्यूक्लियर स्कैन करवाते हैं तो फर्स्ट 2-3 डेज के अंदर अंदर आप क्या नाम है टेक्नीशियम लेबल ग्लूकोहेप्टोनेट इंजेक्ट करके स्कैन कर सकते हो. At this early stage, technetium labeled pyrophosphate is not useful for the detection of myocardial infarction. जो आपका pyrophosphate है, वो radiopharmaceutical early stages पे आपको myocardial infarction की इतनी अच्छी detection नहीं देता. अच्छा जी, आगे जी technetium labeled mertiotite, ठीक है, MAG3 बोलते हैं इसको. This compound has recently been introduced into the renal study function and serve as a substitute for iodoheparin. ठीक है, iodoheparin एक radiopharmaceutical जो कि पहले use किया जाता है renal study के लिए, उसको change, उसको क्या नाम replace किया गया है, mertiotide
के साथ, ठीक है, जिसको मैक 3 बोलते हैं. वो कहता है आफ्टर इंटरवेनस सिलेक्शन दिस कंपाउंड इज रैपिडली क्लियर्ड बाय द किडनीज थ्रू बोथ एक्टिव टब्यूलर सेक्रेशन एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. In normal subjects, 90% of the injected dosage can be recovered in urine. This compound, even though bound to the plasma proteins, has a fast plasma clearance because of reversible nature of binding. ठीक है, वो कहता है ये बेशक एक compound आपके plasma के proteins के साथ बहुत strongly bound करता है, लेकिन इसकी जो nature reversible है, यानी कि किसी भी time bond को तोड़ के अलग हो सकता है, तो इस वजह से ये बहुत जल्दी clear हो जाता है plasma के अंदर से. आगे आता है जी technetium label 2,6-dimethylacetanilide I-minodiacetic acid, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेडर, ठीक है, और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स डाइथाइल आईडीए, पिपेडा एंड डिसीडा. ये सारे कंपाउंड्स जो हैं इसको हम यूज करते हैं लिवर इमेजिंग के लिए, ठीक है, हेपेटोबिलरी सिस्टम इमेजिंग, यानी कि आपके लिवर और गॉल ब्लैडर की इमेजिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इसीलिए हम इन स्कैन्स को ये भी बोलते हैं कि हेडा स्कैन कर रहे हैं. ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई है? Yes, sir. सर बहुत मुश्किल है ये सारा. सर इसके तो 3 नंबर बनते हैं इसको पूरे याद करने के लिए. कौन से नंबर बनते हैं? अभी कितनी हुई हैं? चलो यार ये मैं ना नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिक्स करके पढ़ा दूंगा. ये तुम लोग 23 स्लाइड तक करो आज, मैक 3 तक करो, ठीक है, बाकी मैं तुम लोग को नेक्स्ट स्लाइड के साथ मिक्स करके पढ़ा दूंगा फिर, ठीक है. अभी और भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स रहते हैं इसके भी, और अगले लेक्चर में भी हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के रेडियो फार्मास्यूटिकल पढ़ने के, डिफरेंट कंपाउंड्स किस तरह अटैच किए जाते हैं, ठीक है? यस सर, कोई सवाल? ओके सर, मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग पढ़ोगे ना तो मैं तुम लोगों के अकॉर्डिंग चलूंगा, ठीक है. अगर तुम लोग मुझे रिजल्ट दोगे ना तो तुम लोग कहोगे ना कि सर इतना पढ़ना है तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, बट अगर तुम लोग मुझे फीडबैक नहीं ना दोगे अच्छा, ठीक है, मैं अगर मेहनत से पढ़ाऊंगा और तुम लोग मेहनत करके नहीं दिखाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है. फिर मैं एक दिन में एक पूरा लेक्चर 40 स्लाइडों कवर करा के ना फिर ठीक है ओके फिर पढ़ते रहना. थोड़ा पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि तुम लोग पढ़ लो साथ साथ. और एक बच्चे का पता नहीं बीच में मैसेज आया था कि सर जी काइंडली दोबारा से 2-3 स्लाइड समझा दें, नेट का इशू था. जिनके इस तरह के इशूज़ हैं ना वो रिकॉर्डिंग सुने, अगर उनको समझ ना आए रिकॉर्डिंग के अंदर से, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड से कंसल्ट करें. इफ दे देन ऑल्सो डोंट गेट एनी आइडिया अबाउट दैट then they can mail me, I can tell them what's the scenario behind that. अगर फिर भी नहीं समझ आती, we will arrange a Zoom session after the completion of our syllabus. So we will discuss that in those repetition classes. Okay? समझ आ गई? ठीक है? किसी का कोई सवाल? जी सर, जो पैथोलॉजिक टिश्यू होता है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल टिश्यू वो ज्यादा रेडियो फार्मास्यूटिकल की अपटेक करता है ना? ज्यादा अपटेक करता है, लेकिन बेटे अक्सर कुछ डिजीज, अब डिजीज पे डिपेंड करता है. अब जैसे मैंने ना क्या नाम है, थायराइड की कोई ऐसी डिजीज है वो उस डिजीज की वजह से ना आपका थायराइड इतना खराब हो जाता है कि वहां पे आपको ना अपटेक जो सही सही पोर्शन है ना वहां पे अपटेक मिलती है, और जो पोर्शन खराब है ना वहां पे आपको ना क्या नाम है व्हाइटिश एरिया मिलता है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड स्पॉट, ठीक है. तो कुछ डिजीज ऐसी हैं कि जहाँ पे डिजीज एरिया होता है वहाँ पे ज्यादा अपटेक होती है, और इर्द गिर्द के जो एरिया होता है उसके अंदर कम अपटेक होती है, तो आपको पता चल जाता है कि ये डिजीज एरिया. और कुछ डिजीज इस तरह की होती हैं कि वहाँ पे अपटेक बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, जिससे आपको पता चलता है कि ये वाला डिजीज एरिया, और उसको हम बोलते हैं कोल्ड स्पॉट, ठीक है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिजीज टाइप कि डिजीज किस तरह की, उसने ऑर्गन को खराब कर दिया है या ज्यादा उसको हाइपरट्रॉफिड कर दिया है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द डिजीज, ठीक है. वैसे मोस्टली क्या नाम है, ज्यादा अपटेक ही होता है जहां पे कहीं ट्यूमर वगैरह पड़ा हो या कुछ इस तरह का हो ना, वहां अपटेक ज्यादा ही होता है. ओके सर, और सर जैसे आपने बताया कि हम पहले मतलब अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है तो हम HRCT या MRI के थ्रू भी काफी स्कैन्स कर सकते हैं, तो सर मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन हमने सिर्फ तब करनी है जब हमें बाकी मोडालिटीज पे कुछ कंफर्म ना हो? एक्चुअली जो न्यूक्लियर मेडिसिन है ना वो मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर में पढ़ाया था कि बेसिकली इसका मकसद क्या है कि आपने फंक्शन चेक करना है कि आपका ऑर्गन कितने किस लेवल तक फंक्शनिंग है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आपको CT के ऊपर पता लग भी जाता है कि यार ट्यूमर है, ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग देयर, ठीक है, फिर भी आप क्या नाम है, अगर आपका जो क्या कहते हैं फिजिशियन है या आपका जो भी डॉक्टर है वो आपको रिकमेंड करता है कि यार न्यूक्लियर स्कैन भी मैंने करवाना है, तो उसके पीछे उसका पर्पस यही होगा कि ही और शी वॉन्ट्स टू चेक के how much के कितने परसेंट आपका ऑर्गन अभी भी फंक्शनिंग है, आर देयर एनी चांसेस दैट इट कैन बी रिकवर्ड और नॉट, और वी हैव टू रिमूव इट, ठीक है.
तो इस वजह से भी न्यूक्लियर स्कैन्स आफ्टर सीटी एमआरआई भी करवाए जाते हैं, ठीक है जी सर। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी को कोई क्वेश्चन? जी जी सर, जो आपने कल एंजियोग्राफी की असाइनमेंट दी है तो वो हमने आपको सेंड कैसे करनी है, एलएमएस के थ्रू या मेल के थ्रू? जी LMS पे पहले तो मुझे सारे ये देख के बताना कि सब रजिस्टर हैं कि नहीं, जो रजिस्टर नहीं है ना LMS के ऊपर वो तो पहले मुझे करें मेल, मैं उसको रजिस्टर कर दूँ, एक बात ये होगी। बाकी क्या ना मैं भी किसी से पूछता हूँ कि LMS पे असाइनमेंट कैसे लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछले सेमेस्टर में कोई असाइनमेंट LMS पे नहीं ली। अगर इज इट ईजी टू अपलोड देयर फॉर यू पीपल एंड टू चेक एंड ईजी टू चेक फॉर मी ऑल्सो, फिर वहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखना कि अपनी जो ओरिएंटेशन है ना डॉक्यूमेंट की, वो पोर्ट्रेट के अंदर हो, ठीक है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन हो, यानी कि सीधा सीधा वर्टिकल हो, ठीक है। क्योंकि अक्सर बच्चे डॉक्यूमेंट्स, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, बच्चों ने डॉक्यूमेंट भेजे वो लैंडस्केप में थे, तो वो लैपटॉप पे रोटेट करना बहुत अजाब बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए पोर्ट्रेट में करना, अगर देख लेना डॉक्यूमेंट चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि वो पोर्ट्रेट में ही है आफ्टर मेकिंग इट इन ए पीडीएफ फॉर्म, ठीक है, फिर सेंड करना, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर ओके, खुश रहें बाद में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।